नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने हेतु तो किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के संबंध में अवगत कराते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर। रिपोर्ट राज्य की खास रिपोर्ट। लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके क्रम में जितने भी अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड थे व जो भी पैका मार वाहन थे, उन सभी को तत्काल प्रभाव से बंद कराते हुए पिछले कुछ दिनों से यदि कोई पाया जा रहा है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जा रही है। इसी के साथ साथ अस्पताल तिराहे से जहां से अवैध डग्गा मार वाहनों को बंद कराया गया, वहां से रोडवेज की बसों को चलाया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही शहर में विभिन्न क्रेन्स के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि यदि कोई सड़क पर गाड़ी खड़ी करेगा तो उसको गाड़ी को टो करते हुए, सीज करते हुए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ साथ ऐसी सभी बसेस जो कॉन्ट्रैक्चुअल रूप में स्कूल्स के साथ काम करती हैं, उन सभी बसेस को ये चेतावनी दी गई है कि अपने परमिट को अगले 2 दिन के अंदर अंदर ही RTO विभाग से पूरा करा लें, और यदि उनके पास परमिट नहीं होगा तो उनको रोड पर संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ RTO विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीम लगातार विभिन्न स्कूल्स में जाके उनकी जो बसेस हैं उनको भी चेक कर रही है। इस अभियान की समाप्ति के बाद अन्य जो छोटे वाहन होते हैं, जिसमें क्रूजर, वैन्स, मिनी वैन्स या कोई भी ऐसा वाहन, टाटा मैजिक, जो बच्चों को किसी प्रकार से ले जाते हैं, उनके परमिट्स को और उनके लाइसेंस को और उनके फिटनेस को हमारे द्वारा चेक किया जाएगा। जनपद पुलिस व प्रशासन लगातार ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहा है। मेरा जनपद के सभी नागरिकों से अनुरोध है, यदि आप व्यापारी हैं तो दुकानों पर अतिक्रमण न करें। यदि आप नागरिक हैं और आप मार्केट में जाते हैं तो ये देखें कि आप अपनी गाड़ी, अपनी बाइक कहाँ खड़ी कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इसको एक ड्राइव की तरह न लेके इसको दिनचर्या में अपनाएं, और मुजफ्फरनगर के सभी नागरिकों से ये अपील है कि इसमें हमारी मदद करें ताकि इस जनपद में हम सभी को ट्रैफिक के मामले में एक बेहतर और परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में एक इम्प्रूव्ड सिचुएशन मिले। मैं अनुरोध भी करूंगा और चाहूंगा सभी लोगों से कि हमारा इसमें साथ दें, और यदि कहीं भी आप पाते हैं कि कोई भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, डग्गा मार या अवैध वाहन चला रहा है, बिना परमिट के बसेस रोड पर चल रही हैं, तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस मुख्यालय 112 के नंबर पर दे दें या यहाँ के अधिकारियों को कॉल करके दे दें, संबंधित थाने पे दे दें, पुलिस के मीडिया सेल में दें, मीडिया के माध्यम से हम तक पहुँचाएं, किसी भी माध्यम से पहुँचाएं, लेकिन पहुँचाएं ताकि हम उस पर कार्रवाई करके जनपद में एक बेहतर व्यवस्था कायम कर सकें। थैंक यू।